हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट के बारे में कि आखिर ये ज्वाइंट अकाउंट क्या होते हैं, कितने लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कौन ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है। साथ ही एक सवाल जो कि हर किसी के मन में रहता है, हो सकता है कि आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते होंगे कि ज्वाइंट अकाउंट जितने भी लोग मिलकर के ओपन करते हैं, क्या उसमें से हर कोई पैसा निकाल सकता है, हर कोई पैसा जमा कर सकता है। सो ज्वाइंट अकाउंट के बारे में कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो आज का ये काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करें। दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट जो होता है ना, ये भी एक तरह का सेविंग अकाउंट ही होता है। बस यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग मिल करके ये अकाउंट ओपन करते हैं। एक होता है नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो हर कोई अपने सेविंग्स के लिए ओपन करता है, लेकिन ये जो ज्वाइंट अकाउंट होते हैं इसमें एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर के ये अकाउंट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ज्वाइंट अकाउंट कितने लोग मिलकर के ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ रूल है कि ज्वाइंट अकाउंट दो लोग या नहीं तो दो से अधिक चार लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हालांकि चार से ज़्यादा लोग भी मिलकर के ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इसको लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रूल बनाया है कि ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ चार लोग मिलकर के ही ओपन कर सकते हैं। अब ये चार लोग कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात, चाहे तो कोई बिजनेस पार्टनर हो गया, मान लीजिए कोई तीन चार लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया है तो वे तीन चार लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हाउसवाइफ वाइफ है तो वे भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही फैमिली मेंबर में अगर कोई चाहता है कि हम सारे फैमिली मिलकर के एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करें तो वहां पर मैं सभी फैमिली मिलकर के एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई माइनर है तो वो अपने पेरेंट के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकता है। अब ज्वाइंट अकाउंट जो होते हैं इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ज्वाइंट अकाउंट अगर कोई ओपन करता है, मान लीजिए दो लोग मिलकर के ओपन करते हैं या फिर चार लोग मिलकर के ओपन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं कि हर किसी का, जितने भी उसके मेंबर होते हैं, जितने भी लोग मिलकर के वे ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, हर लोग का अलग अलग डेबिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ केसेस में हर किसी को डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, हर मेंबर अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। ये जो ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, ये ज्वाइंट अकाउंट दो तरह के होते हैं। एक होता है एनीवन और सर्वाइवर, और दूसरा होता है फॉर्मर और सर्वाइवर। अब ये जो एनीवन और फॉर्मर होते हैं इनमें क्या रूल है, देखिए एनीवन सर्वाइवर जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि जितने भी लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, मान लीजिए दो लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन किए, चार लोग मिलकर के अकाउंट ओपन किए, तो एनीवन और सर्वाइवर में क्या होते हैं कि इसमें हर कोई पैसा विड्रॉ कर सकता है, हर कोई पैसा जमा कर सकता है। मतलब बैंक के जितने भी कार्य होते हैं वे सभी मिलकर के अपना कार्य कर सकते हैं। कोई भी मेंबर उसमें से पैसा निकासी कर सकता है, पैसा जमा कर सकता है। एनीवन और सर्वाइवर में क्या होते हैं कि जितने भी मेंबर होते हैं, जितने लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, हर किसी को, हर को अपना अपना अलग एक डेबिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करती है। एनीवन और सर्वाइवर में सबको अपना KYC कंप्लीट करनी होती है। जब ये ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो सबका अपना अपना आइडेंटिटी प्रूफ देनी होती है और फिर वे अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बाद वे सभी मेंबर मिलकर के अपने उस अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। इसलिए इस ज्वाइंट अकाउंट को कहा जाता है एनीवन और सर्वाइवर, मतलब कोई भी इस अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। दूसरा होता है फॉर्मर और सर्वाइवर। अब ये फॉर्मर और सर्वाइवर क्या होता है? ये जो फॉर्मर और सर्वाइवर ज्वाइंट अकाउंट होते हैं इसमें क्या होते हैं कि एक मेन व्यक्ति होता है जो अपने इस अकाउंट को एक्सेस कर पाता है, उनके नाम से ही यहां पर डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ वही अपने इस अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। और जो लोग भी इस अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं वो अपने इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई तब तो ये ज्वाइंट अकाउंट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि जो मेन व्यक्ति होता है, जिसके नाम से डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जो अपने इस अकाउंट को एक्सेस करता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि अगर किसी कारण से उन व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वो अपने इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो इसके बाद जो थर्ड पर्सन रहता है,
जो और लोग वहां पर अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं, जिसके साथ वो ज्वाइंट अकाउंट ओपन किए होते हैं, तो वे लोग अपने इस अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है, मरता नहीं है, तब तक उसके अकाउंट को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेस कर पाएगा जो उसका हेड पर्सन होगा। लेकिन एनीवन और सर्वाइवर में ऐसा कुछ नहीं होता है। एनीवन और सर्वाइवर में जितने लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं, वे सभी अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। कोई भी कभी भी पैसा निकासी कर सकता है, कोई भी कभी भी पैसा जमा कर सकता है। इसके साथ सभी लोगों को अपना अपना डेबिट कार्ड भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट में क्या होते हैं कि जब मान लीजिए उस हेड व्यक्ति का, जो मेन व्यक्ति रहता है जो अपनी इस अकाउंट को एक्सेस करता है, उसका किसी कारण से अगर मौत हो जाता है, डेथ हो जाती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद वो अपने इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो इसके बाद भी जो थर्ड पर्सन रहता है और लोग जो उस अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं, जिसके साथ वो ज्वाइंट अकाउंट ओपन किए रहते हैं, तो वे फिर भी अपने उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट पर्सन डेथ हो गया उसका, तो वो थर्ड पर्सन जो भी है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो अपने उस अकाउंट का एक्सेस करने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। उसको बैंक में जाकर के, अपने ब्रांच में जाकर के उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जमा करनी होती है, साथ ही कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं। इसके बाद जाकर के ही जो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, वे अपने उस अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज्वाइंट अकाउंट के बारे में काफी अच्छे से समझ गए होंगे। आपको जब भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना होगा, आप पहले यह समझ लीजिएगा कि आपको एनीवन ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है या फिर फॉर्मर और सर्वाइवर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है। साथ ही बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसमें अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उनके ब्रांच जाना होगा, ऑफलाइन में जाकर के आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक भी हैं जो आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको कि आप किस तरह से ऑनलाइन ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं, तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से आपके सवाल के जवाब हम कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए, हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।